दोस्तों यूटी ऑफ दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव में बहुत सारी वैकेंसी आई हैं। हॉस्पिटल में गवर्नमेंट जॉब इन सी विनोबा भावे सिविल हॉस्पिटल सिलवासा में जॉब आई है। इसमें फीस नहीं देनी है आप लोगों को, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये डायरेक्ट अप्लाई करना है आपको। इसमें बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं। इसमें 10th पास, 12th पास, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, MD, DM, DNB, ये सब एक क्वालिफिकेशन है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ऑल इंडिया मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। दोस्तों ये क्या है, रोगी कल्याण समिति ऑफिस ऑफ द मेंबर सेक्रेटरी RKS श्री विनोबा भावे सिविल हॉस्पिटल में ये जॉब वैकेंसी 464 नंबर एडवर्टाइजमेंट नंबर ये अप्लाई ये लोग ने अभी जारी किया है। ये 5 अप्रैल को ये लागू हुआ, ये वैकेंसी अपडेट हुई है। तो ये 20 अप्रैल तक आप लोगों को भरने का लास्ट डेट है। ये दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, तो ये शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, ये परमानेंट जॉब नहीं है। तो इसमें क्या क्या वैकेंसी ये देख लेते। न्यूरो सर्जन की एक सीट है, 45 ईयर मांगा है। MD, DNB, मास्टर ऑफ क्यूरेगे इन न्यूरो सर्जरी विथ एक्सपीरियंस 2 लाख पर मंथ है इसकी सैलरी। प्लास्टिक में दिया हुआ है, प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन, उसमें एक सीट है, 45 ईयर मांगा है। MD, MS DNB, मास्टर ऑफ क्यूरेगे विथ एक्सपीरियंस मांगा है, 2 लाख पर मंथ है इसकी सैलरी। न्यूफ्रोलॉजिस्ट की एक सीट है, 45 ईयर मांगा है। MD, DNB विथ DM इन न्यूफ्रोलॉजी विथ एक्सपीरियंस मांगा है, 2 लाख पर मंथ इसकी भी सैलरी है। गैस्ट्रोइंट्रोलॉजिस्ट की एक सीट है, 45 ईयर मांगा है। MD, DM, DNB विथ एक्सपीरियंस मांगा है, 2 लाख पर मंथ है। चेस्ट फिजिशियन का एक सीट है, 45 ईयर मांगा है। MD, DNB विथ एक्सपीरियंस मांगा है, इसमें भी 2 लाख पर मंथ है। कार्डियोलॉजिस्ट की एक सीट है, वो भी 45 ईयर मांगा है। MD, DM, DNB विथ एक्सपीरियंस मांगा है, 2 लाख पर मंथ। रेडियोलॉजिस्ट की दो सीट है, देखिए 45 ईयर मांगा है। MD, DNB विथ एक्सपीरियंस, सैलरी एज पर एक्सपीरियंस 2 लाख पर मंथ। डिग्री वाले का 1.5 लाख पर मंथ, डिप्लोमा वाले का दिया हुआ है यहाँ पे। हेल्थ केयर एग्जीक्यूटिव में एक सीट है, 30 ईयर होना चाहिए। 12th साइंस मांगा और इक्विवेलेंट भी चलेगा। बीएससी नर्सिंग फ्रॉम ए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी होना चाहिए और शुड बी रजिस्टर्ड विद इंडियन नर्सिंग काउंसिल होना चाहिए। 1 ईयर एक्सपीरियंस, या चारों मैरिटरी है आपको, चारों होना चाहिए। 20,000 रुपीज़ सैलरी है। फिर स्टाफ नर्स की एक सीट है, 30 ईयर होना चाहिए। 12th साइंस और इक्विवेलेंट भी चलेगा। नर्सिंग रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, रजिस्टर्ड विथ इंडियन नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए। एक साल की एक्सपीरियंस भी चाहिए। इफ चारों मैंडेटरी है, चारों होना जरूरी है आपको। 20,000 रुपीज़ सैलरी है। फार्मेसिस्ट की एक सीट है, 27 ईयर उसका डेट मांगा है, डेट ऑफ बर्थ 27 ईयर तक होना चाहिए। 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स ऑफ फार्मेसी फ्रॉम ए रिकग्नाइज फार्मेसी इंस्टीट्यूट होना चाहिए और रजिस्टर्ड इन रिकग्नाइज फार्मेसी काउंसिल से होना चाहिए। 17,000 सैलरी रहेगी। सैनिटरी इंस्पेक्टर का एक सीट है, 27 ईयर होना चाहिए। 12th और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी बोर्ड और यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन सैनिटरी इंस्पेक्टर आर ट्रेनिंग ऑफ ड्यूरेशन ऑफ वन ईयर फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, 18,000 रुपीज़ सैलरी रहेगी। कंप्यूटर असिस्टेंट की एक सीट है, देख लीजिए आप, कंप्यूटर असिस्टेंट की एक सीट है, 27 ईयर होने चाहिए। ग्रेजुएशन 1 ईयर एक्सपीरियंस होने चाहिए। टाइपिंग भी आना चाहिए आपको और कंप्यूटर के नॉलेज भी होना चाहिए, ऐसा मेंशन किया हुआ है। 10,500 सैलरी रहेगी। सफाई कर्मचारी की एक सीट है, 27 ईयर होनी चाहिए। मैट्रिकुलेशन मांगा हुआ है, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट भी चलेगा। 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए कोई भी हॉस्पिटल की, रेपुटेड हॉस्पिटल की। 9,702 सैलरी रहेगी। दोस्तों ये आपको
ये आपको फॉरवर्ड करना है एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में। ये वेबसाइट पे डाउनलोड करके भी आप ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको भेजनी है, यहाँ पे आपको भेजनी है सभी डॉक्यूमेंट अटैच करके। तो ऑफिस ऑफ द मेंबर सेक्रेटरी आर के श्री विनोबा भावे सिविल हॉस्पिटल सिलवासा 392 396 2 30। यहाँ पे आपको एक सेट अटेस्टेड फोटो कॉपी होना चाहिए सबका, जो जो मेंशन किया है नीचे, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगानी है इसके साथ साथ। और आप ये ऑनलाइन भी भेज सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। इसके बाद आपको ये फॉर्म कैसे भरनी है, यहाँ पे आपको फ़ोटो लगानी है, यहाँ साइन भी करना है। फ़ोटो ये किसके लिए आप अप्लाई करें, नाम आपका कैपिटल में होना चाहिए, फादर नेम होना चाहिए, एड्रेस दिया हुआ एड्रेस लिखा होना चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, ये कितना दिन चल रहे हैं आपको इस दिन का, ये आपको गूगल से आप सर्च करके लिख सकते हो। फिर दोस्तों यहाँ कैटेगरी जो आपकी आती है वो लिखिए, डोमिसाइल है तो लिखिए, नहीं है तो नहीं लिखिए, लैंग्वेज क्या है वो लिखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो जो मांगा है जो मेंशन किया है आपको ये चीज़ यहाँ पे बतानी है, वर्क एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पे दिखानी है, वर्क एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पे आपको मेंशन करनी है, यहाँ सिग्नेचर पे आपको लिखना है, और डेट जहाँ से डेट और प्लेस आपको लिखना है दोस्तों।